मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत साहब ने जिन लोगों को इस शेर के मायने समझाने की कोशिश की थी, आज उनके अपने घर जल रहे हैं, क्योंकि जब मोहल्ले में आग लगी तो वो इस बात से खुश थे कि मुसलमानों का घर जल रहा है, वो इस बात से खुश थे कि दलितों और आदिवासियों का घर जल रहा है, औरों का घर जलता हुआ देख वो ये भूल गए कि उनका अपना मकान किसी दलित या मुसलमान के घर से सटा हुआ है और उसके घर की आग उनके घर को भी पकड़ सकती है। मोदी राज की नाकामियों के कारण बेकाबू हो चुकी कोरोना की आग उसी नासमझी का नतीजा है। कोरोना की आग हजारों चिताओं को जला रही है और इस आग में खुद सत्ताधारी बीजेपी के विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ता तक शामिल हैं। आलम यह है कि विधायक, सांसद और टॉप ब्यूरोक्रेट्स सिस्टम से थक कर सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। नाम विनीत अग्रवाल, पद संयोजक यूपी बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ और सदस्य यूपी बीजेपी कार्य समिति। एक सांस में कमल कमल और रैली में नमो नमो बोलकर रिकॉर्ड बना चुके यूपी बीजेपी के भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनीत अग्रवाल ने मदद मांगने के लिए यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को कॉल किया था, लेकिन उन्हें वहां से ऐसा जवाब मिला कि उनका दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी मैंने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी से फोन पर वार्ता की। हमारे दो मरीज आगरा प्रभा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है। मंत्री जी ने बहुत गंदा जवाब दिया जो कि इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला है, आप कुछ कर सकें। लेकिन अब योगी योगी और नमो नमो की सरकार उनके किसी काम नहीं आ रही। अब ज़रा सोचिए, जिस यूपी में सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं का ये हाल है, वहाँ आम जनता किस हाल में होगी। नाम डॉक्टर इंदु भूषण, पद पूर्व सीईओ आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट, पूर्व सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस तस्वीर में मोदी जी के बगल में खड़े इस आदमी को देखिए, ये हैं डॉक्टर इंदु भूषण। ये वही आदमी हैं जो चार साल तक मोदी सरकार के आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट का सीईओ रहे हैं और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुखिया भी, यानी देश के हेल्थ पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी इसी आईएएस अफसर पर थी। अब इनका एक ट्वीट देखिए, हमारे आसपास जो हो रहा है वो आत्मा को झकझोर देने वाला है। मैं जिसे भी जानता हूँ उसके परिवार में एक कोविड मरीज है या फिर परिवार में किसी एक की मौत हो चुकी है। मुझे आजकल फ़ोन कॉल से डर लगने लगा है क्योंकि सब अस्पताल में बेड दिला देने की मदद मांग रहे हैं, ज़्यादातर मामलों में मैं नाकाम रहता हूँ। डॉक्टर इंदु भूषण पर यह जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर हेल्थ पॉलिसी बनाते, लेकिन वो नाकाम रहे और वो खुद इसका शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि 23 दिसंबर 2020 को तो डॉक्टर इंदु भूषण ने ये तक कह दिया था कि जब लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए खुद ही हर्ड इम्यूनिटी बन रही है तो फिर वैक्सीन लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपये क्यों खर्च किए जाएँ। उम्मीद है अब डॉक्टर इंदु भूषण अपने कारनामों और गलत नीतियों के लिए भी देश से ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। नाम कौशल किशोर, पद सांसद बीजेपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो भी इस बारे में अफवाह फैला रहा है उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने योगी के दावों की पोल खोल दी। यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से वो इतना परेशान हो गए हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की सोच रहे हैं। उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर रात रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएँ। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन
रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, एक गए सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस, जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको ज़रूर उपलब्ध कराने का काम करें। मेरी बात को संज्ञान में लें और तत्काल हर ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। हकीकत क्या है खुद बीजेपी नेता बता रहे हैं, लेकिन अहंकारी सरकार इस बात को मानने तक को तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के भाई ने भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। आप एक सांसद की लाचारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। नाम निगहत अब्बास, पद प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी। कोरोना काल में भी राम मंदिर के लिए ज्यादा से ज्यादा दान देने की अपील करने वाली दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता निगहत अब्बास अब ट्विटर पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुहार लगा रही हैं। उन्हें यूपी के ग्रेटर नोएडा में तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, लेकिन खौफ देखिए, वो योगी आदित्यनाथ को टैग तक नहीं कर सकती। नाम हाजी अनवार अहमद अंसारी, पद अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र यूपी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र क्योटो उर्फ वाराणसी के रहने वाले हाजी अनवार अहमद अंसारी ने पिछले साल लॉकडाउन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। जवाब में खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर हाजी अनवार अहमद अंसारी की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन झूठी तारीफों के इस खेल में हाजी अपनी भाभी को अस्पताल में एक बेड तक नहीं दिला पाए और उनकी भाभी की मौत हो गई। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस बारे में लिखा, बनारस में बेड की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2021 को मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, जबकि संगठन के मानिंद लोगों को कॉल भी किया, लेकिन किसी ने बेड तक का इंतजाम नहीं करवाया। जब हम लोगों की ये हालत है तो आम आदमी का क्या होगा, ऊपर वाला ही अपना रहम करे, नीचे वाले तो पत्थर दिल हैं, अगर समय पर इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना ख्याल रखो, नहीं तो खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो, इलाज के बगैर ही दम तोड़ देगा मरीज, अल्लाह पाक मरहुमा की मगफिरत करे। नफरती लोग और अंधभक्त चाहें तो अपनी ही पार्टी के नेता की मरहूम भाभी का मजहब देखकर ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, शायद आप ऐसा ही तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन याद रखें इस आग में आपका घर भी नहीं बच पाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से बीजेपी के विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। 2 दिन बाद उनकी पत्नी भी चली गई और अब बेटा भी कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना का वायरस लोगों में फर्क नहीं कर रहा। यूपी के ही औरैया से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। अगर अंधभक्तों को लगता है कि वो सुरक्षित हैं और आग सिर्फ पड़ोसी के घर में लगी है तो इन खबरों को एक बार जरूर पढ़ लें। इस आग में तो खुद बीजेपी नेता, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता भी जल रहे हैं। उनका हाल भी जनता की तरह ही बेहाल है। लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको शायद अभी अपने करीबियों की ऐसी खबरें आने का इंतजार है। अभी शायद आपको और तबाही देखनी है। मरणासन पड़े भारत की पीठ पर सिस्टम चलाने वाली मोदी सरकार बैठी है और देशवासियों की सांसें टूट रही हैं। अब नहीं जागे तो भला कब जागोगे? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही हमारा YouTube चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनें। अगले वीडियो में मिलते हैं।